हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना जो टॉपिक है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, मतलब चैप्टर इनफैक्ट, उसको थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करते हैं। तो कल हम लोगों ने रिफ्लेक्शन के बारे में देखा था, ठीक है, रिफ्लेक्शंस कैसे होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में देखा था, जस्ट बेसिक बेसिक चीज़ें मैंने बता रखी थी। उसके बाद जस्ट हमने वेक्टर एनालिसिस स्टार्ट किया था, ठीक है, किसका, रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स दिया, उसके बाद हम लोगों ने सॉल्व किया था, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे और प्रोसीड करते हैं, इस कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। तो आज जो पढ़ना है बच्चों, वो क्या पढ़ना है, एंगल ऑफ डेविएशन पढ़ना है, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन पढ़ना है कि एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। उसके बाद इस एंगल ऑफ डेविएशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद ये सब सारी चीज़ें आप लोग को आज हम सिखाएंगे, ठीक है। होता क्या है, जब भी रिफ्लेक्शन होता है, सिंपल लैंग्वेज में हम इसको समझने का प्रयास करें तो कुछ ऐसा, जैसे मान लीजिए कोई प्लेन मिरर है या फिर कोई रिफ्लेक्टर है, इन द सेंस इस रिफ्लेक्टर पे आप लोग को पता है रिफ्लेक्स कोई रेज इंसिडेंट होती है तो यहाँ से क्या होती है रिफ्लेक्ट होती है, ये सबको पता है, ठीक। अब रिफ्लेक्ट होती है और इसके बाद यहाँ पे यदि हम नॉर्मल डालते हैं इस पर तो ये एंगल थीटा होती है, उसके बाद ये भी एंगल थीटा होती है, क्लियर। अब देखो ये यदि रिफ्लेक्ट ना होती तो जो रे है वो कहाँ पे आती, इधर कुछ आती, ठीक है, यदि रिफ्लेक्ट ना होती तो इधर कुछ आती। इसका मतलब ये क्या हुआ है कि यहाँ से डेविएट हुआ है, एंगल ऑफ डेविएशन मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूँ कि कोई भी रे ऑफ लाइट यदि आ रही है और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है तो एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब यही होता है कि यदि रिफ्लेक्ट ना होता तो सीधे चला जाता। तो ये रिफ्लेक्ट जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है और यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे और इस जो ये रे आ रही थी इसमें कितना एंगल का डेविएशन हुआ, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब सिंपल सा ही है, ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन जो निकाल रहे हैं मतलब कितना डेविएट हुआ, इसका मतलब डायरेक्शन कुछ इधर होगा, डायरेक्शन कुछ एंगल का इधर होगा, जो कि क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। अभी हम कितना एंगल डेविएट हुआ उसको हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, बट पहले समझ लीजिए कि यहाँ पे एक रे है, यहाँ पे यदि रिफ्लेक्ट ना होता तो इतना आता, इसका मतलब कितना डेविएशन है यहाँ पे, ठीक है, और जो डेविएशन हो कितना डेविएशन है हम लोग किस डायरेक्शन से निकालना है, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन से निकालना है, मतलब जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा वो क्या होगा, ये होगा, ठीक है। जो एंगल ऑफ डेविएशन है इसको हम शो करते हैं डेल्टा से, ठीक, डेल्टा से देखो, डेल्टा मतलब आप देखो अभी क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, मतलब थीटा प्लस डेल्टा, कौन वाला डेल्टा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला, ध्यान देना एंटी क्लॉकवाइज वाला, दिस इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है बाय ज्योमेट्री, क्लियर है। अब यहाँ पे टू थीटा डेल्टा एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू 180 डिग्री को मैं पाई से हमेशा डिनोट करने का प्रयास करूँगा, ध्यान दीजिएगा, पाई माइनस टू थीटा होगा, ये कौन सा डायरेक्शन में होगा, 180 डिग्री के डायरेक्शन में होगा, बट इसी को मैं पाई माइनस टू थीटा हो गया। अब इसी को मैं क्या कहूँ कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बोलूँ, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, ये पूरा का पूरा एंगल यही होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि ए वाला डायरेक्शन, दिस इज व्हाट, डेल्टा क्लॉकवाइज, तो डेल्टा क्लॉकवाइज के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2π - δ करेंगे, 2π इतना है, ठीक है, पूरा 2π होता है, उसमें से डेल्टा को एंटी क्लॉकवाइज को घटा देंगे, मतलब कुछ ऐसा, डेल्टा क्लॉकवाइज इज नथिंग बट 2π - δ एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, और डेल्टा एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू आपको पता है क्या, π - 2θ होता है, मतलब डेल्टा क्लॉकवाइज जो होगा 2π - δ एंटी क्लॉकवाइज, मतलब डेल्टा एंटी क्लॉकवाइज निकल जाता है तो अपना काम बन जाता है, हम डेल्टा क्लॉकवाइज भी निकाल लेते हैं, ठीक है। शायद ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करते हैं, इसको फिलहाल मैं इरेज करता हूँ, आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है।
ये हुआ बेसिक ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, सिंपल बेसिक बेसिक डिफिनेशन। ठीक है, अब देखो इरेज करता हूँ इसको। बेसिकली सपोज कीजिए, अब प्रॉब्लम के थ्रू इसको डिस्कस करते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पे मिरर है कोई, ठीक, यहाँ पे कोई रे आ रही है, इंसिडेंट कर रही है, यहाँ पे जा रही है, ठीक, और ये एंगल आपका 45 डिग्री बनाता है, तो डेफिनेटली ये भी 45 डिग्री होगा, तो जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा क्या होगा, इतना होगा, डेल्टा एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा 180 माइनस दिस 90 डिग्री, क्योंकि 45 पे हो गया, 45 पे हो गया, यहाँ से भी कर सकते हैं 90, मतलब जो डेल्टा एंटी क्लॉकवाइज होगा कितना होगा 90 डिग्री होगा, मतलब डायरेक्शन का आप लोग ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया डेल्टा एंटी क्लॉकवाइज, ये तो सिंपल सा प्रॉब्लम था। ठीक है, अब थोड़ा सा एक अच्छा प्रॉब्लम करते हैं, अच्छा इन द सेंस बेसिक वो भी है बट थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, लेवल थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई मिरर है, मिरर कुछ ऐसा है, ठीक है, कुछ ऐसा रखा हुआ है, ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, और ये कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे। यहाँ पे यदि कोई रे ऑफ लाइट आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो डेफिनेटली रिफ्लेक्ट किधर होगी, इधर होगी, यदि रिफ्लेक्ट ना होता तो सीधे चला जाता, ठीक। अब यहाँ पे डेल्टा पूछ रखा है, डेल्टा एंटी क्लॉकवाइज, तो हम इस टाइप के प्रॉब्लम में कैसे करेंगे, सिंपल ज्योमेट्री लगाने का प्रयास करेंगे, यदि अपने को ज्योमेट्री आती है तो काफ़ी अच्छे से हम लोग डील कर सकते हैं। ये देखो हुआ क्या, बेसिकली ये आपका इंसिडेंट हुआ, ये आपका क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है, रिफ्लेक्ट इंसिडेंट, तो डेल्टा आपका ये हो गया डेल्टा एंटी क्लॉकवाइज, ये आप लोग तो पहचान लिए कि डेल्टा एंटी क्लॉकवाइज आपका कुछ ऐसा होगा। अब देखो ये थीटा है, तो डेफिनेटली ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। अब ये नॉर्मल है तो डेफिनेटली ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा, होगा ना, क्योंकि नॉर्मल है, ये देखो थीटा है पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्स लाइन है, तो थीटा हो गया, ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये भी क्या होगा, 90 माइनस थीटा ही होगा, ठीक है। ये एंगल निकालना है, डेल्टा ए ओमेगा, सॉरी डेल्टा मैं बोल रहा हूँ, डेल्टा एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज इक्वल टू, आप लोगों ने पढ़ा 180 माइनस 2 थीटा, इसका मतलब 180 माइनस 2 थीटा कितना है, 90 माइनस यही है ना, ये वाला थीटा, यही तो लेते हैं हम लोग, या फिर ऐसा करो कि 180 में से 2 टाइम्स से घटा दो, तो यही तो मैं कर रहा हूँ बेसिकली, तो 90 माइनस थीटा हो गया, इसको आप सॉल्व करो, 180 माइनस 180 प्लस 2 थीटा, 180 माइनस 180 माइनस कैंसल, दिस इज इक्वल टू 2 थीटा, मतलब यहाँ पे जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो आपका डेविएशन आया वो कितना आया है, 2 थीटा आया हुआ है, ठीक है, मतलब ये एंगल 30 डिग्री होगा, तो डेविएशन जो होगा आपका कितना होगा, 60 डिग्री होगा, मतलब यदि कोई भी मिरर कुछ इंक्लाइंड रखा हुआ है, मतलब ग्राउंड से थीटा एंगल बनाया हुआ है, तो जो उसका डेविएशन होगा रेज ऑफ लाइट ये कितना होगा, 2 थीटा होता है, क्लियर है, ठीक। अब अपने लेवल को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, इसको अभी फिलहाल के लिए रेज करता हूँ, देख लीजिएगा, ठीक। अब ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे लेकर चलेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस हो जाएंगे आप लोगों से, ठीक है, बस आप लोगों को ज्योमेट्री थोड़ी सी आनी चाहिए, इसका नाम ही ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, ठीक है। चलो ठीक, दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं, मिरर मान लो रख दिया कुछ ऐसा, दो मिरर हो गया, चलो दो मिरर रखते हैं, ठीक है, मान लो मैंने दो मिरर रखा, तो यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है, तो कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे दो डेविएशंस आएंगे आप लोगों के, ठीक है, दोनों एंगल इंक्लाइंड किया हुआ है, तो यहाँ पे जो डेविएशन होगा वो दो प्रकार के होंगे, कुछ ऐसा, यहाँ पे मान लो कि आ रहा है रेज ऑफ लाइट, ध्यान देना यहाँ पे एंगल थीटा है, ठीक है, यहाँ पे ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा,
जब ये रिफ्लेक्ट होगा तो यहाँ पे इंसिडेंट भी होगा, इस मतलब इस मिरर के लिए इंसिडेंट रे होगा, तो फिर ये क्या होगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, दो डेविएशन देख रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना। डेल्टा नेट, ध्यान देना, हम एंटी क्लॉकवाइज की बात करेंगे। यहाँ पे कितना डेल्टा दिख रहा है, दो, एक तो रे इधर जानी चाहिए थी बट रे इधर आ गई, तो एक डेल्टा तो आपका ये हो गया, ठीक। दूसरा डेल्टा कौन सा होगा, जानी चाहिए थी इधर बट चली गई उधर, इसका मतलब डेल्टा टू। तो डेल्टा वन ये हो गया, डेल्टा टू ये हो गया, डेल्टा नेट मतलब डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, क्लियर है। अब डेल्टा वन निकालें, देखो ये रे आ रही है, इधर रिफ्लेक्ट हो गई, इसको आप मान लो नॉर्मल, ठीक है, इसको आप मान लो नॉर्मल, इसका मतलब ये टोटल क्या हो गई, 90 डिग्री। ये थीटा है तो इसका मतलब ये भी एंगल कितनी होगी, थीटा होगी। जब ये एंगल थीटा होगी इसका मतलब ये एंगल कितनी होगी, 90 माइनस थीटा होगी, ठीक। ये 90 माइनस थीटा है, इसका मतलब ये भी 90 माइनस थीटा होगी, क्लियर है। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे, अब यहाँ पे आओ, ठीक, यहाँ पे 90 माइनस थीटा हो गई। अब थीटा वन थीटा टू मानो, ये थीटा हो गई, तो यहाँ पे ऐसा करो, थीटा वन थीटा टू के रूप में माने, अभी मत माने, अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाएगा। सिंपल थीटा वन थीटा, बाद में इक्वेशन हम बना लेंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पे थीटा वन ये भी हो जाएगा, लेट्स मेथड जो मैं कर रहा था मैं डायरेक्टली कर रहा था, वो डायरेक्टली अभी मत कीजिए आप लोग। थीटा वन ये हो गया, थीटा वन ये होगा तो थीटा वन ये भी होगा, थीटा टू ये होगा तो थीटा टू आपका ये भी होगा, क्लियर है। अब देखो आपका ये नॉर्मल है, पूरा का पूरा नॉर्मल है, तो कितना हो जाएगा, कितना एंगल, 90 माइनस थीटा वन हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा टू हो जाएगा, ठीक। अब देखो डेविएशन आप देख लो कितना होगा, डेल्टा वन कितना होगा, यहाँ आप देखो डेल्टा वन 180 माइनस टू थीटा, मतलब टू थीटा वन प्लस डेल्टा टू क्या हो गया, 180 माइनस टू थीटा टू बाई फार्मूला, ठीक है। यदि फार्मूला भी नहीं आ रहा तो चलेगा, देखो समझ में आ रहा, 180 माइनस इतना करोगे तो ये इतना आएगा, तो कितना हो गया, 180 को 360 कर दो इधर, माइनस टू कॉमन ले लो, और यहाँ पे थीटा वन प्लस थीटा टू ले लो, मतलब आपको थीटा वन प्लस थीटा टू ही निकालनी है। तो यहाँ पे आप देख लो, 90 माइनस थीटा वन, 90 माइनस थीटा टू प्लस थीटा इज इक्वल टू 180, देखो ना ट्रायंगल बन रहा है ना, ट्रायंगल के केस में क्या होगा, 90 माइनस थीटा वन प्लस 90 माइनस थीटा टू प्लस थीटा इज इक्वल टू कितनी हो गई, 180 हो गई, ये 180 से कैंसिल, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू थीटा वन प्लस थीटा टू, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा वन प्लस थीटा टू की जगह क्या रखेंगे, थीटा रखेंगे, मतलब 360 माइनस कितना, 2 थीटा, मतलब 2 कॉमन लीजिए तो कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा, ये हो गया आपका आंसर। किस नेट डेविएशन, नेट डेविएशन किस डायरेक्शन में, हम लोग क्या ले रहे हैं यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रहे हैं, तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इतना डेविएशन आ गया डेल्टा नेट, ठीक है, क्लियर हुआ। ये तो हुआ आपका नेट डेविएशन का मतलब, ठीक है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे, ठीक है। अब एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई होंगी, कैसे हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन निकालेंगे, ठीक। अब चलो अब पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन कैसे होते हैं, वैसे हमको पहले इसको कराने चाहिए थे लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, चलो इसको इरेज करूँ, चलो इरेज करता हूँ, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब कुछ ऐसा होता है, कहीं ऐसा होता है कि ये कई सारे प्रॉब्लम बनेंगे और वेरिएशंस में असाइनमेंट में दे दूंगा, ठीक है, उसका टेंशन मत लीजिए। अब हम लोग पढ़ते हैं कि रिफ्लेक्शन कैसे कैसे होते हैं। एक तो सिंपल रिफ्लेक्शन होता है जब प्लेन मिरर के थ्रू हो, ठीक है, कुछ ऐसा, ठीक, ऐसा सिंपल रिफ्लेक्शन। एक क्या होता है, इरेगुलर, मतलब इसे रेगुलर रिफ्लेक्शन नाम से बोलते हैं, मतलब कुछ ऐसा आ जाएगा एग्जाम में टर्मिनोलॉजी, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, मतलब ये इरेगुलर हो गया क्योंकि यहाँ पे जो पथ है क्या है, इरेगुलर है, तो उस कंडीशन में भी जो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शंस और इंसिडेंट्स होंगे, मतलब रिफ्लेक्शन बेसिकली वो क्या होंगे, इरेगुलर होंगे,
बट हमको मेन टारगेट मेरा ये नहीं है, मेन टारगेट ये है कि हमको एक इंसिडेंस का टाइप कराने हैं। जैसे इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है, तो कुछ ऐसे होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पे प्लेन मिरर है, तो यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे निकालते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे निकालते हैं, वो सारी चीज़ें क्या होता है, डेविएशन, इस टाइप के केस में डेविएशन क्या होता है। एक थोड़ा सा स्पेशल केस लेते हैं, ठीक है, स्पेशल केस ऑफ, आप बोल सकते हो इंसिडेंस, स्पेशल केस ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। बेसिकली ये इसलिए बता रहा हूँ कि टर्मिनोलॉजी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। जैसे मान लो कि ये कोई सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे कोई लाइट आ रही है, फिर से हो सकता है लाइट चली जाए, मतलब यहाँ पे पॉथ क्या है, रिट्रेस हो रहा है, मतलब यहाँ पे रिट्रेसिंग ऑफ पॉथ बोल सकते हैं, रिट्रेसिंग ऑफ पॉथ, जो कोई पॉथ है तो उसका जो रिट्रेसिंग होने का जो प्रोसेस होता है उसे रिट्रेस बोलते हैं, मतलब यहाँ से टर्न बैक हो जाना डायरेक्टली। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप लोग, ये क्या है, नॉर्मल है, आप लोग मान लीजिए यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू कितना है, 0 डिग्री है, क्योंकि एक आ रही है जा रही है, मतलब यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कितना है, नॉर्मल भी इसी लाइन पे लाई कर रही है, तो इसी से कितना एंगल बनाएगा, वो 0 डिग्री बनाएगा। आई कोई भी आई लाइट फिर से चली गई, तो यहाँ पे कितना हुआ, आई चली आई, इसका मतलब नॉर्मल भी यहीं पे है, इसका मतलब थीटा इक्वल टू 0 होगा, सिमिलरली मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा, सिमिलरली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इस केस में क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये हो गया रिट्रेसिंग ऑफ पथ। जब रिट्रेसिंग ऑफ पथ होगा बच्चों, ध्यान देना, उस केस में जो डेविएशन होगा वो कितना होगा, आ रहा है फिर से चला जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर डेविएशन कितना हुआ, 180 डिग्री का हुआ, देखो ना, गया फिर से चला आया, तो यहाँ पे जो आया मतलब आया, टेल और टेल क्या हो गया, एक में हो गया, इसका मतलब यहाँ पे डेल्टा क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया, ठीक है। या फॉर्मूले से देख लो, 180 माइनस 2 थीटा, तो 180 माइनस थीटा की वैल्यू क्या है, आई है, तो यहाँ पे केस में 0 हो जाएगा, तो आज भी हम लोग निकाल सकते हैं डेविएशन कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये किस केस में, सिंपल इंसिडेंस केस में, इसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस, ठीक है। जब नॉर्मल इंसिडेंस होता है उस कंडीशन में रिट्रेसिंग ऑफ पथ होती है, और इस केस में कंडीशन कुछ ऐसा होता है, ठीक, पहला। दूसरा क्या होता है, एक ग्रेजिंग इंसिडेंस होता है। दूसरा क्या होता है बच्चों, ग्रेजिंग इंसिडेंस होता है, ठीक है। इस केस में क्या करते हैं, सिंपल, जैसे मान लो कि ये कोई सरफेस है, ठीक, यहाँ पे नॉर्मल है, और यहाँ पे क्या दिख नहीं रहा क्या, ठीक, ये कोई क्या है, नॉर्मल है, ठीक। अब देखो यहाँ से कितना एंगल बनाएगा, ये यहाँ पे आपका इंसिडेंस हो रहा है, लाइट जा रही है, ये नॉर्मल है, ठीक है, तो डेफिनेटली एक परपेंडिकुलर होगा। तो इस केस में आप बोल सकते हो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है, 90 डिग्री होगा, सबको समझ में आता है। सिमिलर इसी हिसाब से डेल्टा कितना हो जाएगा, इस हिसाब से डेल्टा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। देखो जाना चाहिए था यहाँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बेसिकली थीटा डेल्टा की वैल्यू क्या होगा, 180 माइनस 2 थीटा, 180 माइनस 90, 2 इंटू 90, 180 0 डिग्री, ठीक है। अब देखो गया, ठीक है, अब ये क्या हुआ, नॉर्मल पे ही चला गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये सॉरी ये जा रहा है तो चले ही जा रहा है, ठीक है, इसमें कुछ भी रिफ्लेक्शन अगर हो नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल 90 डिग्री पे ही बना रहा है। तो इस केस में एक क्या हो गया, ग्रेजिंग इंसिडेंस होगा, और इस केस में डेल्टा क्या होगा, 0 डिग्री होगा, ठीक है, डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उसको आप देख लेते हैं, इरेज करूँ, आसान सा चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चलो पानी पी लेते हैं थोड़ा सा। इससे रिलेटेड मैं कुछ प्रॉब्लम्स कराता हूँ, ठीक, वो प्रॉब्लम देख लीजिए, सॉरी टू डिस्टर्ब यू।
सपोज करो यहाँ पे क्या नॉर्मल इंसिडेंस में क्या होता है, रे क्या होता है, रिट्रेस कर लेता है, आपके बात को समझ में आ गया। सपोज करो बच्चों कि ये कोई मिरर है, ठीक, और ये कोई भी एक और मिरर है, ठीक, और ये एंगल थीटा एंगल पे है, क्लियर है। बोला कि इफ रे retraces its path after two reflection, then theta equal to what? Theta की value क्या होगी? यदि कोई ray आ रही है और वो दो reflection के बाद वो retrace करती है अपने path को, तो उस condition में इस theta की value क्या होगी? तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि यहाँ से कोई लाइट आई, ठीक, लाइट आने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, जब रिफ्लेक्ट हो गई तो यहीं से क्या हो गई है, रिट्रेस इट्स पथ, यहाँ से रिट्रेस हो गई, इसका मतलब डेफिनेटली कितना एंगल बनाएगा यहाँ पे 90 डिग्री होगा। जब ये थीटा होगा तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा, ये सबको पता है। अब देखो यहाँ पे जब एंगल थीटा होगा तो इस केस में देखो ये थीटा होगा, ये नॉर्मल है, एक मिनट, ये नॉर्मल है, इसका मतलब क्या होगा, ये नॉर्मल है, अब ये एंगल कितना होगा, ये टोटल 90 है और ये थीटा है, तो अब देखो यहाँ पे ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक, 90 माइनस थीटा ही होगा क्योंकि टोटल नॉर्मल है, इतना एंगल बना रहा है 90 डिग्री इससे, इसका मतलब ये 90 माइनस थीटा हो गया, ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब ये 90 माइनस थीटा होगा तो देखो स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब ये एंगल भी कितना हो जाएगा, फिर थीटा हो जाएगा क्योंकि सबका समीशन 180 आना चाहिए, तो 180 हो गया, माइनस 2 थीटा प्लस 2 थीटा 0, इसका मतलब ये एंगल भी थीटा हो गया। अब इस ट्रायंगल को मैं बात करूँ कितना हो जाएगा, थीटा प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस केस में थीटा इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 45 डिग्री हो जाएगी। सॉल्व कीजिएगा, 2 थीटा इज इक्वल टू 90, दैट्स नॉट अ बिग डील, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री हो गए, ठीक है। मतलब टू रिफ्लेक्शन के बाद यदि पौध कोई भी रे है वो अपने पौध को रिट्रेस करती है तो उस कंडीशन में थीटा की वैल्यू क्या होगी, 45 डिग्री होगी होगी, ठीक। सपोज कीजिएगा कि यहाँ पे 3 रिफ्लेक्शन दे दें, ठीक है, तो थीटा पूछे तो क्या करेंगे, सिंपल ज्योमेट्री लगाएंगे, ठीक है, वही तो बोल रहा हूँ, इसका नाम ही ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, तो यहाँ पे ज्योमेट्री का रोल काफ़ी अच्छा है, उसीलिए छोटे क्लास में पहले ज्योमेट्री पढ़ा दिया जाता है, ठीक है, ताकि फिजिक्स में दिक्कत ना आए बाद में। चलो इस फिगर को थोड़ा सा और बड़ा कर दें, देखो, ठीक, तो सिंपल सी बात है, ठीक, ये मिरर ही है, यहाँ पे रे आई, ठीक, रे आई, इसके बाद यहाँ पे आएगी, ठीक, सिंपल सी बात है ना। अब देखो यहाँ पे आने के बाद हो सकता है रे यहाँ पे चली जाए, बट हमको क्या 3 रिफ्लेक्शन देना है, तो एक रिफ्लेक्शन यहाँ पे हो गई, 2 रिफ्लेक्शन यहाँ पे हो गई, तीसरा रिफ्लेक्शन आपका यहाँ पे आएगी, तो यहाँ पे बोल रहा है रिट्रेस हो रहा है, इसका मतलब एंगल 90 डिग्री हो गई, ये थीटा है, ठीक है। अब देखो ये 90 डिग्री होगी, अब ये क्या है, ये नॉर्मल है, ठीक है, यहाँ पे इसके लिए नॉर्मल ये हो गया, ठीक। अब देखो ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है, ये आपका नॉर्मल है तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक। और ये कितना है बच्चों, ये आपका थीटा है, ठीक है, थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। अब देखो थीटा है 90 है तो पूरा का पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, इसका मतलब ये सिंपल एंगल कितना होगा, सिंपल इतना ही, ये टोटल का एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा ना, ठीक है, तो सिर्फ इतना एंगल कितना होगा, इतना वाला 90 माइनस थीटा बाई 2, क्लियर है, ये 90 माइनस थीटा बाई 2 होगा, तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना होगा, सिर्फ ये वाला आपका हो जाएगा, ये टोटल ये 90 नॉर्मल है ना, इसका मतलब इसे 90 डिग्री बना रहा होगा, इसका मतलब फिर से ये वाला जो एंगल होगा बच्चों कितना होगा, 90
90 माइनस दिस एंगल, 90 माइनस थीटा बाई 2, ठीक है, इतना एंगल हो गया। और ये कितना है, 90 है। अब इस ट्रायंगल में आके देख लो, ये वाला ए बी सी, इस वाले ट्रायंगल में, ए बी सी ट्रायंगल में देख लो, इन ट्रायंगल ए बी सी कितना हो जाएगा, 90 प्लस थीटा प्लस ए वाला एंगल, ए वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस मतलब 45 बाई 2, सॉरी 45 माइनस थीटा बाई 2, 45 माइनस थीटा बाई 2, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इसको जरा सॉल्व करें तो 180 से 180 कैंसिल, ठीक, तो थीटा माइनस 45 प्लस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0, थीटा प्लस थीटा बाई 2 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 45, 15 थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 30 डिग्री हो जाएगी आफ्टर 3 रिफ्लेक्शन। यदि पॉथ को रिट्रेस करता है 3 रिफ्लेक्शन के बाद, तो थीटा इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री, ठीक है, काफ़ी आसान है। चलो, तो एग्जाम से क्वेश्चन आया करते हैं बहुत सारे, इससे भी आते हैं, ठीक है, बहुत सारे रिफ्लेक्शन होंगे, जैसे मान लो 5 रिफ्लेक्शन हो गया तो क्या करोगे आप, इसके लिए भी ज्योमेट्री बनानी पड़ेंगी, ठीक है। तो उस ज्योमेट्री से हटने के लिए एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला थीटा निकालने के लिए वो मैं बताता हूँ, इसको यूज करो। चलिए, यदि नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, n है, तो उस कंडीशन में थीटा की वैल्यू क्या होगी वो देख ली। इफ नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है, n है, देन n रिफ्लेक्शन के बाद वो पॉथ को रिट्रेस करता है, इफ द पॉथ रिट्रेसेस इट्स पाथ आफ्टर n नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन, आफ्टर ध्यान देना, लिख लेना, आफ्टर n नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन, देन उस कंडीशन में जो थीटा की वैल्यू होगी बच्चों वो होगी पाई बाई 2n, ठीक है। जैसे n की वैल्यू जब n 1 रखोगे तो मैंने दिखाया है कि थीटा की वैल्यू कितनी होगी, पाई बाई 2 होगी, ये सबको पता है, रिट्रेस कर लेता है पॉथ को। n इज इक्वल टू 2 होगी तो उस कंडीशन में 4 पाई बाई 4, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, कैलकुलेट करके दिखाया है। n इज इक्वल टू 3 होगी तो उस कंडीशन में थीटा की वैल्यू रखो 3 × 2 = 6 / 6, दिस इज इक्वल टू 31, कितना डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे 10 रिफ्लेक्शन पूछेगा तो कितना डिग्री, 10 × 20, 180/20, दिस इज इक्वल टू 9 डिग्री, मतलब थीटा इज इक्वल टू उस कंडीशन में 9 होगा, ठीक। तो यहाँ से प्रॉब्लम्स आया करते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा और अपने जहन में बैठा लीजिएगा, ठीक। तो ये तो हुई आज की कहानी, ठीक है। उसके बाद प्लेन मिरर के बारे में हमको चर्चा करनी है, ठीक है, जो कि मैं उसको अगले लेक्चर में करूँगा, ठीक है, या फिर कोशिश क्या है, कितना टाइम हुआ, हाँ, तो इसको मैं आज ही कर देता हूँ, ठीक है, प्लेन मिरर आज नहीं, आधे घंटे का हो गया ना वीडियो, तो चलिए ठीक है। हाँ, प्लेन मिरर के बारे में, इमेज कैसे फॉर्मेशंस होते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा अगले नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अभी के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर टुडे एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो, एंजॉय योर लाइफ।